हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है सब बढ़िया ही होंगे भाई। तो भाई आज मेरे साथ एक इतना हम्बल पर्सन खेल रहा है ना भाई, ये देखिए भाई। मैं भाई को बोलता हूँ कि भाई कमेंट ज़रूर करना कि भाई मैं ही खेल रहा था तुम्हारे साथ जयेश करके। तो भाई कमेंट भी करते हैं और देखिए भाई ने क्या ही कमेंट करा है। दिल बहुत बड़ा था भाई का। भाई मैं ही जयेश, सब्सक्राइब आए क्या 5? थैंक्स ब्रो, थैंक्स। दिल से अच्छा लगता है जब कोई अननोन पर्सन ऐसा करता है। थैंक यू सो मच ब्रो सपोर्ट के लिए। तो आज हम आ चुके हैं पॉचिंग की। पहुंचने के भाई बहुत ही बंदे आए होते। एक तो ये भंवर सा है, यहाँ बंदे ख़त्म ही नहीं होते। तो यहाँ पे देखिए आपका भाई क्या ही तबाही मचाएगा। यहाँ पे मुझे बराबर से साउंड आते हैं तो भाई देखिए मैं उस पर उसके साथ क्या ही सीन करता हूँ। यहाँ पे मैं उसको पहले पुश करता हूँ, मुझे दिख जा रहा है वो। इसको मैं नॉक करके भाई सीधा इसको लॉबी भेज दूंगा। भाई यहाँ मैं जैसे ही दोबारा वापस आता हूँ मुझे साउंड आ रहा है, मैं समझता हूँ इसका दूसरा बंदा आ चुका है, मगर वो एक बॉट था। यहाँ मैं इस बॉट की पीठ डाल के सीधा ऊपर चढ़ जाता हूँ भाई। साइड में से मुझे गन फायरिंग की साउंड आती है। भाई मैं इनको देखता हूँ, भाई मेरा यहाँ पे लाला जा रहा है मेरे मुंह में। दोनों बॉट की पीठ डाल देता हूँ। ऑसम यहाँ फिर मेरे साइड से सब बंदे फिनिश हो चुके थे। यहाँ पे यही दो बंदे कूदे थे, मैंने यहाँ पे इनकी पीटी डाल दी थी। फिर यहाँ पे मैं सीधा आगे पुश कर देता हूँ। तो भाई देखिए आगे क्या ही बसाड़ मचती है। एनिमी साइड यहाँ मुझे बंदा दिखता है, मैं एनिमी दे देता हूँ। मैं सीधा आगे जाके पुश कर देता हूँ। यहाँ पे एक बंदा होता है बहुत लास्ट में राउंड देता है। यहाँ मैं नॉक हो जाता हूँ। मगर ये बंदा नेट करके भाई नीचे कूद जाता भाई, क्या ही दिमाग लगाता है। मगर कोई नहीं, यहाँ पे मेरे जल्दी से ही मिल करते हैं और आगे ले सकते हैं। यहाँ पे मुझे बंदा दिखता है, मैं इस पे इसको लेने की कोशिश करता हूँ, मगर मेरे बंदे कहाँ से पड़ जाते हैं। पहुंचने का ये इसी ने पता नहीं कब और कहाँ से पड़ जाए। यहाँ पे मैं फौरन इस बंद अब मुझे साइड से साउंड आते हैं, मगर मेरे टीममेट कूद चुके होते। जब तक मैं भी पीछे कूद जाता हूँ, यहाँ मेरी यहाँ पे मेरी गन ही स्विच नहीं हुई, वरना मैं इस बंदे को मार देता। भाई मैंने यहाँ पे बहुत कोशिश करी अपनी बैरल निकालने की, वो बैरल निकली ही नहीं पता नहीं क्यों। यहाँ पे फौरन मैं रिकॉल होता हूँ और रिकॉल होकर सीधे इवेंट पे जाता हूँ। यहाँ भाई हम दोनों ही माइक बंद करके खेल लेते हैं पता नहीं क्यों, तो इस मारे ज़्यादा कोऑर्डिनेशन हो नहीं पाया वहाँ पे। वरना मैं भाई को बोल देता भाई नीचे मत कूदना, नीचे बंदे। यहाँ पे मैं फौरन यहाँ पे आता हूँ भाई। यहाँ पे होता है एक बंदा जिसको कि मेरे साउंड आ चुके हैं। मुझे उस बंदे के साउंड पहले राइट से आते सामने से आते हैं, फिर ये बंदा थोड़ा राइट जाने लगता है, जिससे कि मुझे फॉल बैक लेना पड़ जाता है। यहाँ पे मैं इसके क्या बोलते हैं फुट स्टेप रुकने की इंतजार कर रहा था कि कैसे बस ये अपना पैर रोक दे और मैं इसका मैच यहीं पे रोक दूँ। यहाँ पे ये बंदा आगे आगे यहाँ पे रुक जाता है। मैं एक प्रीति के रीलोड करता हूँ और फिर देखिए इस पर पुश कर देता हूँ। यहाँ पे इसकी मैंने पेट ही डाल दी भाई, ये बंदा मूवमेंट ही चला गया। और यहाँ पे एक तो ये चील का वो चमगादड़ सी मुझे अभी पूरा मार देती, बच गया मैं। और यहाँ मैं मरता रिकॉल भी नहीं पता। सबसे पहले मैं यहाँ बीच में आता हूँ क्योंकि साइड पे पता नहीं कैसे दीवार के आर पार अपने पर निकाल के मार देता है भाई। यहाँ पे फौरन मैं मेड किट लगाता हूँ और यहाँ मेरे टीममेट भी आ जाता है। यहाँ पे मेरे टीममेट को ये बंदा मिनी से नॉक कर देता है, मगर कोई नहीं। यहाँ पे मैं बंदे को कंधे पे डालता हूँ और अंदर ले जाता हूँ सबसे पहले। अंदर ले जाकर रिवाइव दे भी नहीं पाता जब तक एक बंदा पुश कर देता है, मगर वो अंधा था पूरा का पूरा। इस बावले को ये नहीं पता कि कहाँ है बंदा, भागे चला जा रहा है। यहाँ पे मुझे और बंदों की भी साउंड आती है, बंदे आगे रुक जाते हैं, मगर यहाँ पे रिवाइव देता हूँ। मगर थोड़ी देर बाद ही बंदा यहाँ से भाग ही जाता है भाई। यहाँ पे मेरे टीम में ढीले मांगता, मैं तीनों छोड़ देता हूँ।
यहाँ मुझे ऑरेंज साइड पे कुछ दिखा ही नहीं, अगर यहाँ पे बंदा दिखता तो मैं चाहे जरूर पीटी डाल देता एनिमी हूँ यहाँ पे। साइड। यहाँ पे लेट किस पे फायर देने की सोचता हूँ जाते भाई, क्या ही सीन होता है, मैं मरते मरते बच यहाँ पे। ये बंदे दोनों एक साथ वो करते हैं फायर देते हैं, मैं बच जाता हूँ। मैं अपने बंदे को भाई मैसेज करता हूँ भाई हीलिंग, मगर मेरे टीममेट का ध्यान ही नहीं जाता उसके ऊपर। मगर कोई नहीं, फिर मुझे ये I got बैंडेड मारने पड़ेंगे, supplies. तो देखिए मैं बैंडेड बैंडेड मारता हूँ। और क्या ही करते हैं फिर हम दोनों मिलके इन दोनों के साथ। यहाँ पर सबसे पहले मैं ये M24 उठा लेता हूँ भाई। ये M24 कुछ मज़ा ही आ गया भाई इस मैच में उठा के। आप देखिएगा यहाँ से मेरी स्नैपिंग भी क्या ही मस्त स्नैपिंग हुई है। बस सीन ये था, ये M24 थी, अगर ये AWM होती ना तो और भी मज़ा आता। यहाँ पर दो बंदे आते हैं, मेरे टीममेट इन दोनों की पीछे डाल दे भाई, क्या ही ओपी क्लच था मेरे टीममेट का, मजा आ गया भाई। यहाँ पे मेरी हीलिंग भी फुल नहीं थी, मैं यहाँ पे आके मैं सबसे पहले अपनी हील वील फुल करता हूँ। भाई ने बढ़िया मारा, नाइस ब्रो। यहाँ पे आके मैं ये पीटी वीटी लूट रहा था कि हीलिंग मिल मुझे, मगर जब तक मेरे टीममेट एक बंदे को नॉक करते थे। मगर जयेश भाई जैसे ही एक बंदे को नॉक करते मैं फौरन दूसरा एंगल पकड़ता हूँ। मुझे पता था कि अगर जयेश भाई नॉक हो गए तो ये बंदे सीधा अपने बंदे को रिवाइव देने वाले। एक तो ये चील का वो पता नहीं क्यों मेरे पीछे पड़ जाते हैं भाई। मैं यहाँ मैं मरते मरते फिर बचता हूँ, यहाँ पे फौरन मैं दूसरा एंगल पकड़ता हूँ। और भाई आपके भाई के हाथ में बैरल और एक सप्रेसर, आपको तो पता ही है मेरे हाथ में बैरल और सप्रेसर इक्वल्स टू क्लच। यहाँ ये मेरे बंदे को नॉक करता है, मैं बैरल रेड डॉट की पिट डाल। यहाँ मैं अपने टीममेट को फिर कंधे पर उठाता हूँ और सीधा अंदर ले आता हूँ, वहाँ जाके रिवाइव करता हूँ। बचाओ, यहाँ से बार बार आके सबसे पहले मैं ये पेटी वेटी लूटता हूँ और यहाँ से गाड़ी लेके निकल जाते हैं जोन की तरफ। यहाँ से भाई मैंने बंदे बहुत ढूंढे मुझे नहीं मिले, यहाँ से सीधा मैं दूसरी जीप लेके सीधा निकल जाता हूँ फार्म की तरफ। एनिमी जेड। यहाँ पर मैं जैसे आता हूँ इसका टीममेट अपने आप को नेट कर लेता पता नहीं क्यों ही, तो मेरा ध्यान पूरा इसके ऊपर था कि कैसे ही बस इस तरह खेल लेना है। पहले मेरे टीममेट बहुत अच्छी मॉली करते हैं भाई यहाँ पे देखिए, मगर मैं पैटर्स के पीछे डाल दूँगा, पीछे से बहुत तगड़ा इस तरह आता है। मैं देख रहा था गलती से अगर मेरे टीममेट ना हो तो मैं यहीं कहीं रिवाइव दे दूँ, मगर यहाँ से फौरन मैं ऊपर जाता हूँ इस तरह। भाई इन बंदों ने क्या ही पेटीएम बना रखी थी ना, यहाँ पे देख के ही डर लग रहा था। यहाँ पर फौरन मैं ऊपर आके देखता हूँ भाई, हर तरफ बंदे ही बंदे, और ऊपर से ये घर, इसमें इतनी खिड़की हैं कि बस पूछिए मत। यहाँ पर ये बंदा मेरे बंदे के ऊपर एक स्नाइपर का शॉट लेता है। मैं पहले एक बेहतरीन सा एंगल बनाता हूँ और एक ओपी सा हेड मार देता हूँ। ये बंदा हीलिंग वीलिंग करता है, दोबारा जागता है। इस बार मैं इसका पूरा हेलमेट ही उड़ा चुका हूँ भाई, अब की बार अगर इसने पीक दी ना इसको मैं नॉक कर दूंगा, टेंशन मत लीजिए। बस यही सीन रहता है भाई M24 और K9 का भाई, अगर Level 3 होता है ना तो मरता ही नहीं है। यहाँ पर ये बंदा पत्थर पे आ चुका है और देखिए मुझे दिखेगा मैं इसके साथ क्या ही करूँगा। यहाँ पर मुझे पीछे से भी साउंड आता है तो मैं टीममेट को बोल देता हूँ भाई पीछे घर में बंदा है ध्यान रखना। यहाँ पर मैं एक स्मोक भी कर लेता हूँ क्योंकि उधर थोड़ा सा हाई ग्राउंड है तो हम पे पड़ सकती थी, मगर ये बंदा भाई इतना ही तेज चल रहा था ना सीधे भाई हम पे पुश कर देता है। Get in the car. जाम है इस मोग में भाई, गोली चलाता रहता हूँ इसको नॉक कर देता भाई। इसका बंदा मुझे यहाँ पे हल्का सा दोबारा में ये बंदा मुझे दिख जाता है, देखिए मैं इसके साथ क्या करने वाला हूँ। अब भाई कितनी बार हेड खाएगा भाई, शर्म कर ले। अगर मेरे पास AWM होती मैं उसको लॉबी भेज चुका होता जाने कितनी बार। यहाँ पे फिर पीछे से मेरे टीममेट को बहुत तगड़ी मिनी पड़ती है, मगर ये स्मोक हट चुका था भाई। इस घर में भाई बिना स्मोक के कुछ नहीं हो सकता। सबसे पहले आपको अगर इस घर में आपको भी फंस जाओ तो स्मोक जरूर कर लेना। यहाँ पे मैं सबसे पहले स्मोक करता हूँ जहाँ से मुझे टीममेट को रिवाइव देना है। यहाँ से फौरन मैं रिवाइव करके अपनी गाड़ी की तरफ भागता हूँ
और रास्ते में मेरे ऊपर भाई स्प्रे पड़ता है, और देखिए वो स्प्रे इन बंदों पे कितना ही भारी पड़ने वाला है ना ये स्प्रे, आप बस ये देखिएगा। सबसे पहले यहाँ पर मैं अपनी M24 निकालता हूँ, और इसको नॉक देता हूँ। पता नहीं क्यों ही ये झांक रहा था। यहाँ पे इसका बंदा स्मोक करता है और रिवाइव देने की कोशिश करता है, और ये देखिए आपके भाई का रनिंग। चलो लो अभी यहाँ पे फौरन मैं अपनी गाड़ी की तरफ जाता हूँ, अपने टीममेट को बुलाता हूँ, गाड़ी में बैठ के निकलने की तैयारी करता हूँ। मेरे टीममेट जैसे ही जयेश भाई बैठते पता नहीं क्यों उतर जाते हैं भाई, यहाँ पे मुझे इतनी गोली पड़ी थी मैं रुक जाता हूँ, तुम दोनों की मौत थी। यहाँ पे मैं हजार हजार सा समझता हूँ भाई, जोन में पहुँच तो जाता हूँ, फिर एक बार मैं पहुँच गया तो फिर जयेश भाई को तो बुला ही लूंगा जोन में। यहाँ पर मैं इस घर में सबसे पहले हिल विल करके ऊपर चढ़ता हूँ देखने के लिए, तो मुझे एक बंदा दिख जाता है, मैं फौरन उठता हूँ और इसकी पूरी पीठ ही डाल देता हूँ भाई। सामने जो लाइट हाउस है भाई, यहाँ पर मुझे एक बंदा दिख जाता है, तो देखिए मैं इसके साथ क्या ही करता हूँ। एनिमीज एड, ये सब भाई सिर्फ इसीलिए बच रहे हैं क्योंकि मेरे पास M24 है, क्योंकि हर बंदे में मैंने हेड मार रखा है यहाँ पे। मैं अपने टीममेट को बोलता हूँ भाई उसको जोर में आना, मगर फिर मेरे को ये दिख जाता है पहले ही कूद चुका है। तो भाई आपके भाई के पास है M24, तो देखिए भाई आपका भाई क्या ही करता है। यहाँ पे ये बंदा DP मार रहा है भाई मेरे M24 के। यहाँ पे मैं इसे लॉबी भेजता हूँ, यहाँ पे फॉरवर्ड में सोचता हूँ भाई जोन में चल रहा हूँ। देखिए यहाँ पे मैं एक बहुत बड़ी गलती करता हूँ, मुझे ये नहीं पता था कि सामने वाले बंदे पे MG3 है, वरना मैं कभी नहीं निकलता। यहाँ पे मैं नॉक हो जाता हूँ, मगर मेरे टीममेट यहाँ पे इनको रिवाइव देना चाहिए था, अगर यहाँ खड़े होकर रिवाइव देते बंदे को पता नहीं लगता मैं हम लोग कैसे करवा देता हूँ। कोई आपको ये वीडियो कैसी लगी भाई कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और जयेश भाई के लिए भाई एक लाइक हो जाना चाहिए। जयेश भाई बहुत ही बढ़िया बंदे भाई, थैंक यू सो मच भाई, अगेन थैंक यू ब्रो, थैंक्स फॉर वॉचिंग।